छपरा सदर अस्पताल में एक बार फिर अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां सर्पदंश से पीड़ित महिला को उसके परिजन जिंदा सांप के साथ अस्पताल लेकर आ गए। चिकित्सक और चिकित्साकर्मी भी जिंदा सांप को देखकर हतप्रभ रह गए। दरअसल यह पूरा मामला जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के गनौरा गांव का है, जहां गांव की महिला को खेत में काम करने के दौरान उस समय सांप ने डस लिया। उसके बाद महिला ने शोर मचाते हुए मदद के लिए लोगों को पुकारा। सांप काटने की खबर महिला के परिजनों को मिली तो परिजन आनंद फानन में उसे मढ़ौरा रेफरल हॉस्पिटल लेकर आए। मढ़ौरा अस्पताल के चिकित्सक ने महिला को बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। महिला के परिजन महिला सहित जिस सांप से काटा था उसे भी जिंदा ही पकड़कर सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। सदर अस्पताल के चिकित्सक ने सांप की प्रजाति को देखते हुए उसका इलाज शुरू किया। महिला की स्थिति अभी तक स्टेबल है। सदर अस्पताल के चिकित्सक ने उसे अभी 24 घंटे के लिए अपने निरीक्षण में रखा है। सदर अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि यह सांप न्यूरोटॉक्सिक है, इसका असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। एक पेशेंट आई थी, सांप काटा हुआ था उसको, 3-3.5 घंटा उसको काटे हुए अभी हो गया है। हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसका और 24 आवर तक ऑब्जर्वेशन करेंगे। जनरली जो स्नेक है वो न्यूरोटॉक्सिक है, मतलब उसका इफेक्ट जो है नर्व पे ज़्यादा होता है। अभी तक ऐसा कोई सिम्टम दिखा नहीं है उसको, तो आगे हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं 24 आवर के लिए। अगर कुछ ऐसा होगा तो हम लोग आगे उसको एंटी वेनम देंगे। अभी कोई ऐसी समस्या उसको नहीं दिख रही है, पेशेंट स्टेबल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर होता तो विद इन 3 आवर्स से 6 आवर के बीच में सिम्टम आ जाता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सिम्टम नहीं आया है, तो पेशेंट स्टेबल है। लेकिन फिर भी हम लोग ऑब्जर्वेशन में 24 आवर के लिए रखे हुए। सांप लेके आए थे, जिंदा था कि नहीं था हम लोग, हाँ तो जिंदा होगा पेशेंट। हम देखे नहीं सांप जिंदा था या नहीं, हम सांप को देखे, उसका फोटो देखे, जो सांप वो लोग फोटो दिखाया। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग न्यूरोटॉक्सिक है कि हीमाटोटॉक्सिक है, मतलब वो खून पे ब्लड वेसल पे इफेक्ट कर रहा है कि नर्व्स पे इफेक्ट कर रहा है। मेनली यही होता है काम, तो हम लोग फोटो से भी देख लेते हैं, क्योंकि अंदर हॉस्पिटल में लाना और यहाँ पर रखना, कभी भी सांप चैम्बर में निकल सकता है, तो उसको हम लोग अवॉइड करते हैं कि चैम्बर में कोई सांप उप लेके नहीं आए, मतलब हॉस्पिटल परमिशन में लेके नहीं आए। हम लोग फोटो खींच के उसका देख लेते हैं कि भाई आप सांप ले आए हैं, कौन सांप पे फोटो दिखा दीजिए हमें, ठीक है। पर मेरा नाम डॉक्टर हर्षित राज है, मैं यहाँ सदर अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर पोस्ट पर हूँ। ये आलू कोरने गए थे अपने खेती में, उसके बाद में जो आलू कोर रहे थे उसका मिट्टी के अंदर में निकला, इनको काट लिया, इनको उस टाइम में मतलब चक्कर आया, मतलब कोई वहाँ पे आदमी नहीं था, छोटा छोटा बच्चा था, बच्चे को ये बता नहीं पाया। दूसरा आदमी मतलब हमको कंफर्म किया, हम गए, इनको गाड़ी से भेजे मढ़ौरा हॉस्पिटल में, और सांप को हम पकड़ के लेके आए। जिंदा पकड़े? जी जी, मारा नहीं है, जिंदा है जी, हाँ जी, हम जिंदा पकड़े हैं जी, मुआए नहीं है। उसके बाद में हॉस्पिटल सरकारी में ले गए मढ़ौरा में, वो वहाँ पे बोले कि 2 सुई दिए, बोले कि हमारे पास और सुविधा नहीं है, सदर हॉस्पिटल में छपरा रेफर कर दिए। हम लेकर यहाँ सीधा चले आए। डॉक्टर क्या बोले यहाँ पर आपको? यहाँ तो अभी डॉक्टर भाई साहब लेके आए थे हमारा। अभी कैसी है पेशेंट की तबीयत? अभी अच्छा है जी। क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का तेतरी देवी। ये भी हमारा पता ही लगेगी, हमारा शैलेश कुमार महतो जी, हमारा गनौरा जी। नहीं, अमनौर थाना हमारा पड़ता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।